आ गया हूँ मैं गाजियाबाद, देख लो ये हाल है। अरे यार, तो मैंने सोचा आज कुछ अच्छा सा बनाऊं। सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने घर सब बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज की नई सुबह सबको सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो आ गया हूँ मैं गाजियाबाद। मैं अकेला नहीं, शालू और एडोरा भी। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए थे, मम्मी भी मिस कर रही थी और एडोरा को तो सबसे ज़्यादा ही मिस कर रही थी। तो हमने कहा चलते हैं यार गाजियाबाद, एक दो दिन लगा के आते हैं और वहाँ भी इंजॉय करते हैं। तो मेरे साथ साथ यहाँ पे शालू भी है। नहीं यार, मैं पुरानी यादें ताज़ा करी, तो मैंने बोला आदि को कि आपको मैं उस पार्क लेके चलती हूँ जहाँ मैं वॉक करती थी। तो शालू कह रही है मैं अपनी बचपन की यादें सारी ताज़ा करूँगी यहाँ पर, और जितने भी यहाँ पे राइड्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे झूले हैं बच्चों वाले, तो कह रही मैं आज वो झूल के दिखाऊँगी और आप भी झूलना। ये देखिए ये बच्चों वाले शौक अब पूरे कर रही हैं। अरे मैं झूलता हूँ, मैं झूलता हूँ। अरे तो बच्चों के तो हम कौन से वो हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं झूलता हूँ। सही बात है, अच्छा है ना। हाँ बहुत टाइम पहले जाते थे। तो शालू कह रही है आपने तो झूल लिया, मैं क्यों पीछे रहूं? ये देख लीजिए हर काम में फीमेल आगे होती है, तो इस काम में क्यों पीछे रह सकती है? क्यों चालू? वेरी गुड वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? और क्या मज़ा आना ही चाहिए यार। मॉर्निंग चलो यार वॉक भी कर लेते हैं, क्योंकि जो फिटनेस अभियान स्टार्ट किया है कल से उसको जारी रखेंगे यार। जब भी जहाँ भी जितना भी टाइम मिलेगा करते रहेंगे। उसके बाद जॉगिंग भी होगी जैसे मैंने बोला, क्रिकेट भी होगा। सच यार कुछ प्लान बन नहीं पा रहा, बिकॉज जो टीम है उसमें से 50% जो मेंबर्स हैं वो डाइजी हो रहे हैं, क्योंकि यार अब सारे ही बैचलर नहीं हैं, फैमिली पर्सन है। तो कोई आउटिंग पे है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, तो कोई शादी के चक्कर में बाहर गया हो, तो टीम बन नहीं पा रही। मैं अपने एंड से एफर्ट कर रहा हूँ कि ये टीम बन जाए यार, और हफ्ता 10 दिन में तो हम मैच भी खेलना स्टार्ट करें, तो आपको और मज़ा आने वाला है। क्यों शालू? मुझे भी ले चलना है। हाँ आप भी चलना है इस बार यार, आप भी देखना बैठ कर। आई होप जिस दिन आप आए उस दिन मैं थोड़ा स्कोर करूँ। हार मत जाना। नहीं नहीं बिल्कुल हारेंगे, क्यों नहीं यार, मतलब हारेंगे क्यों, अपना पूरा एफर्ट देंगे यार। तो यार चलते हैं घर, काफ़ी वॉक हो गई, जॉगिंग भी हो गई, अब जाके आपको डायरेक्टली रास्ते में मिलते हैं। तो ये देखो हमें रास्ते में कौन मिल गया है, नत्ते। नत्ते गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग कह दो। गुड मॉर्निंग इधर कह दो, सबको इधर कह दो। गुड मॉर्निंग नत्ते। अडोरा देख नत्ते बुला रहा है तुझे। सूंघ रही है तुझको, कह रही है कौन है बच्चा? नमन। नमन? यार मैं एक्चुअली ना थोड़ी देर के लिए ना नैप लेने लग गया था, बट ले नहीं पाया। किचन से ऐसे आवाजें आ रही थी और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, तो देखते हैं यार क्या ब्रेकफास्ट के लिए बन रहा है, क्योंकि सारे घर पर हैं, मम्मी भी घर पे है, आशी भी घर पे है, तो शालू कुछ तो मज़ेदार बना ही रही होगी। चलो वाह वाह, ब्रेड पकौड़े की तैयारी हो रही है, बैंगन ब्रेड आलू और ये है चाय। कमाल कर दी, कमाल कर दी शालू आपने तो। तो आज मतलब ना तो आज पूड़ी आलू, ना छोले भटूरे और ना ही पराठे, आज ये वैरायटी है। तो ये मैंने बना लिए हैं पकोड़े, बहुत सारी वैरायटी बना दी है। यहाँ पर है काजू की चटनी, ये है सॉस, ये रही चाय और ये रही मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? तो कैसा लगा आप लोगों को, खा के बताओ? टेस्टी, बहुत बढ़िया। आप बताओ? बहुत टेस्टी। पकोड़े तो है ही लाजवाब, बट ये चटनी का कॉम्बिनेशन है ना, इसे तो चांद चांद लगा दी, मतलब बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट बिल्कुल हो चुका है, बहुत ही मज़ा आ गया था। चलो देखते हैं शालू अडोरा क्या कर रही है यार। देखो इसको देखो। हाँ बाबू क्या सोच कर लें। शालू जी आप ये बताइए आप कहीं लेके चलेंगे? आप बताओ कहाँ चलेंगे? कहीं तो लेके चलो यार।
क्या पागल हो गए आप? बिल्कुल पागल हो रहे, क्योंकि मेरे को घर नहीं रहना, कहीं बाहर लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं कहीं बाहर गया ही नहीं हूँ घर के अलावा। ठीक है चलेंगे, शांति क्योंकि आप यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो तो आपको ज्यादा पता है। चलेंगे शांति। ओए ये डेंजरस है, ये परफ्यूम नहीं है, अभी तू हमें भी करवाता। चलो ठीक है, शाम के लिए तैयार रहो फिर। यस 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 बेटा गिर मत जाना तुम लोग। चल ठीक है, शाम के लिए तैयार रहो। क्या कह रहे हैं? वहाँ पे मच्छर था, मैंने मार दिया। क्या कर दिया है? मार दिया मच्छर को। किससे मारा है? कैसे मारा है? इच्छे क्या बेटा, दफा 302 लगेगी। चल दफा 302 के तहत तुझे फांसी दी जाती है। शक्तिमान मच्छरों को मारा है। अब वो नमन कह रहा है मैं तुम्हें मारूंगा। गाड़े गाड़े काट रही है। चल एक्सरसाइज करके दिखा, ये क्या कर रहा है पहले ही बता दे। अरे मेरी जान, दिख रही है? अरे वाह, दिख रहे हैं राइजिंग स्टार एप्स। देख लो इसकी, ये देख लो इसकी एप्स आ रहे धीरे धीरे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आहा वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए इसके क्रंचेस देख लीजिए, ये फ्यूचर का टाइगर शॉप आ गया हमारे। तो भाई मैं तो रेडी हो चुका हूँ, शालू भी हो चुकी है, तो आपको ले चलते हैं। अब मुझे भी नहीं पता कि शालू कहाँ लेके जा रही है, तो शालू पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा यहाँ घूमा नहीं हूँ। तो आज एक्सप्लोर करते हैं इंदिरापुरम की गलियाँ, चलिए। इट लुक्स सो स्केरी, बादल देखो कैसे हो रखे हैं, है ना? मैंने पहली बार ऐसे बादल देखे हैं, बहुत स्केरी है। तो फाइनली शालू मुझे ले आई है विंस्टर स्ट्रीट मार्केट, इंदिरापुरम काफी फेमस है और यहाँ की बहुत पॉपुलर है। चलो देखते हैं क्या इधर ईटिंग पॉइंट है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। विंस्टर स्ट्रीट मार्केट सो फार मुझे बहुत अच्छा लगा है, मतलब नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, आप कुछ भी यहाँ पे खा सकते हैं, बहुत बढ़िया है, चाहे इधर वेज हो नॉन वेज हो मुगलई हो। तो बाकी एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या खाते हैं। चले तो बताओ क्या खाओगे, आप बताओ। यार अभी एकदम मैं बता नहीं सकता, बस देखते जाओ सारे ना स्ट्रीट, देख लो। चाइनीज भी है वैसे इधर, पंजाबी भी है। कंफ्यूज हो गए होगे? हाँ यार कंफ्यूज तो मैं हो ही गया था। शालू जहाँ लेकर आई है वो बहुत यूनिक और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ शालू जिद करके बैठ गई थी, उसको यहाँ का थीम और आउटडोर मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। सॉरी फॉर द बैड नॉइज गाइज, आई नो आप स्टार्टिंग से मुझे प्यार दे रहे हैं और मैं मेक श्योर करता हूँ कि वीडियो के साथ ऑडियो क्वालिटी भी आगे जाके मेंटेन्ड होगी। तो ये हमने कर दिया था काठी रोल ऑर्डर, और बताना चाहूँगा इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग था। काफ़ी टाइम बाद मैंने ये रोल ट्राई किया, आप लोगों को भी मैं रेकमेंड करता हूँ, जो भी आसपास रहते हैं आइए और ट्राई कीजिए, ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। एंड आई हैव टू टेल दिस, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है। तो बाद में शालू मुझे बोलने लगी कि मैं आपको एक और अजूबा दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। अजूबा? नहीं ये अजूबा नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, आपके पीछे है, देखा? अरे बाप रे, रहन दो आप काउंट मत करो। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। क्या करना है? अब घर चलते हैं, डिनर का टाइम हो गया है ना? चलते हैं, डिनर का टाइम है, एडोरा आशी और मम्मी भी वेट कर रहे हैं उनके साथ। लगा कैसा आपको? मुझे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नहीं एक्सपेक्ट तो किया था, बट उससे भी ज़्यादा बेटर ये स्पेस लगा, एम्बियंस बहुत अच्छा था और जो ईटिंग हॉन्ट्स थे वो बहुत बेस्ट थे। वैसे ये शिप्रा मॉल के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग है। अच्छा। जो गाजियाबाद में रहते हैं उन तो लोगों को पता होगा। आके ना शिप्रा मॉल भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है आपको ले आऊँगी, डेफिनेटली आएंगे शिप्रा मॉल भी एक्सप्लोर करेंगे, और ये तो लाजवाब है। चलो फटाफट चलते हैं घर। डेफिनेटली चलो, हम जा रहे हैं वापस घर।
तो आ गए हैं हम घर, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी खाना था। थैंक्स टू शालू, जो शालू ने ये लोकेशन बताई मेरे को। दिल्ली में इतने सालों के कभी किसी ने नहीं बताया कि इस जगह पे आपको ऐसा मार्केट हब मिल सकता है, वंडरफुल। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि नत्ते क्या कर रहा है। नत्ते तू क्या कर रहा है बेटा, घर नहीं आना? अच्छा कोई बात नहीं, ये देखो हमारा बदमाश यहाँ क्या कर रहा है। आजा, आ मेरे साथ, ओ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, तेरे बिना कुछ भी नहीं होता। तो जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऑलवेज कहता हूँ आप ही सपोर्टर हैं और आप ही मोटिवेटर हैं। और इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। तो अभी के लिए गुड नाइट करते हैं, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शबा खैर, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, डू लव एंड स्प्रेड लव, बाय बाय।